बीकानेर राजस्थान के और भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में बीकानेर अपना अहम स्थान रखता है। बीकानेर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किए गए बाईप्लेन के केवल दो मॉडलों में से एक का घर है, यानी कि इस किले में एक बाईप्लेन भी रखा हुआ है जो कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इन्हें अंग्रेजों ने शहर के तत्कालिक राजा महाराजा गंगा सिंह को भेंट किया था। बीकानेर के बारे में एक और अनेका पहलू रेत के टीले हैं जो पूरे जिले में फैले हुए। बीकानेर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। पहले से स्थापित शहरों में से एक बीकानेर अभी भी लाल बलुआ पत्थर से बने महलों और किले के माध्यम से अपनी प्राचीन समृद्धि को प्रदर्शित करता है जो समय बीतने के बावजूद टिके हुए हैं। यह शहर दुनिया के कुछ बेहतरीन सवारी वाले ऊंटों का दावा करता है। बीकानेर को ऊंटों का देश भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े ऊंट अनुसंधान और प्रजनन फार्मों में से एक का भी घर है। डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग ऊंटों पर रिसर्च करते हैं, लेकिन मुहर्रम और रविवार की छुट्टी होने की वजह से ये कैमल फार्म बंद था और हम इसका विजिट नहीं कर पाए। बीकानेर की उत्पत्ति का पता 1488 में लगाया जा सकता है जब एक राठौड़ राजकुमार राव बीकाजी ने इस राज्य की स्थापना की थी। किंवदंती है कि राव जोधा जी के 5 बेटों में से एक बीकाजी ने अपने पिता जोधपुर के प्रसिद्ध संस्थापक की एक असंवेदनशील टिप्पणी के बाद झुंझलाहट में अपने पिता का घर दरबार छोड़ दिया था और बीकाजी ने दूर तक यात्रा की और वे जब जंगल देश नामक जंगल में पहुंचे तो उन्होंने अपना राज्य स्थापित करने का फैसला किया और उन्होंने इस बीकानेर शहर की इस बीकानेर राज्य की स्थापना की। यदि आप बीकानेर में आ रहे हैं तो यहाँ पर बीकानेर का जूनागढ़ किला बहुत ही प्रसिद्ध है। जूनागढ़ एक अभेद्य गढ़ है जिस पर कभी भी कब्जा नहीं होने का गौरव प्राप्त है। इसका निर्माण 1588 ईस्वी में सम्राट अकबर के सबसे प्रतिष्ठित सेनापतियों में से एक राजा राय सिंह द्वारा किया गया था। किले के परिसर में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित कुछ शानदार महल है। ये ऊपर की तरफ देखिएगा, गोल्ड पेंटिंग बनी है, गोल्ड और नेचुरल कलर से बनी है पेंटिंग है। बीकानेर के आखिरी महाराजा रहे नरेंद्र सिंह, उनका राजतिलक किया गया। वहीं ऊपर की तरफ देखिएगा, गोल्ड पेंटिंग है, बीकानेर के आर्टिस्ट हैं जिन्हें पुस्ता कहा जाता है, उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। अभी भी किले में जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है वो उन्हीं की पीढ़ी के द्वारा आज किया जा रहा है। ये जूनागढ़ किले का फर्स्ट पार्ट है, पुल महाराजा राय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। महाराजा राय सिंह की रानी का नाम था पुल था तो उन्हीं के नाम से पुल। नीचे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं इसे रेनोवेट किया गया है। वहीं ऊपर छत पर पेंटिंग कर रही है रामायण कृष्ण की स्टोरी है 50 AD। ऊपर छत देखिएगा, पूरी की पूरी छत लकड़ी की बनी है। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी आ रही है। राजस्थान में एक पेड़ पाया जाता है गोभी लकड़ी, जो अच्छी लकड़ी है, सालों साल मजबूत रहती है और इसकी कीमत भी है। वहीं सामने देखिएगा सूर्य भगवान का स्टेचू, सिंगल स्टोन सूर्य भगवान की मूर्ति है। बीकानेर के राजा सूर्यवंशी थे। सूर्य भगवान के घोड़े हैं सोम मंगल शुक्र शनि सेवन ऑफ। इस तरफ देखिएगा हाथी दांत की खड़ा हुआ, हाथी दांत की खड़ा हुआ दसिंह जी महाराज है। मंदिर में पूजा पाठ की जाते हैं तो हाथी दांत की खड़ग पहन के जाते हैं। दूसरी तरफ पीतल के बर्तन रखे गए खाना बनाने के लिए। ये महाराजा पद्म सिंह जी की तलवार है जिसका वेट है 27 किलो। ये प्रैक्टिस के लिए दूसरी तलवार है रॉकेट फाइटिंग में।
वहीं पीछे देखिएगा राजा राज सिंह की बॉम्बे स्टील है। स्टील देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं राजा राज सिंह के उसी के पास में अकबर की तलवार है जो कि राजा राज सिंह को बढ़ने मिल रही है और उसी के पास में चमन हवा। ये सिर्फ देखिएगा दो तलवारें, पहली जो तलवार है राव जोधोजी जोधपुर पवनर और दूसरी जो तलवार है वो महाराज के गंगा सिंह। तो दोनों तलवारों पे गोल्ड और रूबी लगाए वेडिंग सेरेमनी के समय तलवारों का यूज किया जाता है। साथ ही के साथ ये स्टैम्प है उसी के ऊपर सिर पेच है जो कि पगड़ी के ऊपर बांधने के लिए, वहीं यहाँ शंख रखे गए पूजा के लिए, वहीं कॉर्नर में नगाड़े रखे गए हैं जो कि विष्णु संप्रदाय के गुरु थे जागो जी उन्होंने दिए थे। उसी के ऊपर ढाल है जो कि राव जोधा का। बादल मेल इच्छा पूर्ण हनुमान जी देव बजरंगबली डांस करें साइड है ना। इस किले के सारे भागों को सुरक्षा की दृष्टि से खोला नहीं गया है, लेकिन आप 35 से 40 जो इसके स्पॉट है वहां पर उन स्पॉट्स को चिन्हित किया हुआ है और यहां पर आप गाइड की मदद से बहुत ही सस्ती टिकट पर इस किले को आसानी से भ्रमण कर सकते हैं। ये है डूंगर निवास। हाँ पर साफ सफाई देखे पूरे महल में, मुझे अगर झाड़ू निकालना पड़े तेरे को तो कितना टाइम लगेगा। महू सेंटर इंडिया, ये पेंटिंग नहीं है फोटो है। पार्किंग है मुझे देखिए गेट है ये बंद होता था क्यों करते थे भाई बंद, पर लकड़ी देख यार लकड़ी अभी भी सॉलिड है। ये मैं हूँ, ये मंजू जी है, मंजू जी वीडियो बना रही है। ओ मोटी आजा। इसे घुमा देंगे फिर नीचे है। खास हो गई तुम तो एलर्जी हो गई छोरी ये जितने भी लेटर और प्रशंसा पत्र है उसकी गैलरी बनाई हुई है। ये देख मंजू पुराने पत्र लेटर अभिनंदन पत्र। वाह बताओ
पहले श्रीमान नहीं लिखते थे, पहले लिखते थे श्री अन्नदाता जी, घनी घनी खपा। क्या है राजस्थानी भाषा है, अभिनंदन पत्र। वाओ, कपड़े पे उर्दू कैसे बोल, बहुत पहले का बीकानेर, बीकानेर के ओस वाल। मंजू ये देख गन यार, ऐसी गन होती थी भाई, इसे बोलते हैं नग 38 अल्फा 41, वो देख लास्ट में गलत टाइप की गन है। अमेजिंग यार, 21 इज माई फेवरेट। तलवार देख यार, ये हाथ में पहनता था मुझे, हाथ में पूरा ऐसे हाँ अंदर से पकड़ता था भाई। ये वाली है मस्त, इसमें हथियार जयपुर वाले से ज़्यादा है। अब तू देख इस तलवार की हाइट से देख मुझे, उस बंदे की कितनी हाइट होती होगी जो इस तलवार को चलाता था। ये भी सेम छोटे हथियार, पर ये गन लंबी है मंजू। वो इतनी लंबी, जो शस्त्र शाला थी उसका भी भ्रमण किया, जिसमें हर प्रकार के हथियारों को आज भी संजो कर रखा गया है। ये क्या था मुझे? वो तो हीटर है। हीटर है? नहीं, ये क्या है? ढाल। ये तलवार देखे मुझे, यू वांट टू टॉक विद मी, इट्स काइंड ऑफ गन। वाओ मंजू, एक गन के सामने रख के उठाने को दिल कर रहा था। ये मशीन गन है क्या ये? ऊपर भी लकड़ी है मुझे, इनके ट्रिगर देख कैसे हैं, ये देख ट्रिगर है सब गई है। कैसे ट्रिगर है इसका? तो बिल्कुल सही है, ये तो सेम जैसा लग रहा है। ये कुछ है यार बारूद बुरूद का कुछ, ये देख, ये अगर इतना घुस जाए तो आर से यहाँ से यहाँ निकल जाए थोड़ी थोड़ी मुड़ भी तो जो मायने थोड़ा। इसमें आग लगाते थे मोटू, यहाँ पे ना ऊपर आग लगती थी, नीचे राह गिरती थी। यहाँ पे वो होती थी सभा। कितना बड़ा होल है यार, कुछ ऐसा नहीं लग। ये क्या है पता? इतनी अच्छी ड्रेस में अगर खुजलाने का दिल करे तो कुछ तो चाहिए, ये पहन ले दूँ। जस्ट गॉड, वाओ, आ तो राजा की ड्रेस है ये, छोटा छोटा खुकरी खंजर है, अमेजिंग। मंजू जयपुर के फोर्ट में पुरानी चीज़ें इस टाइप है, एक मायने तक इन अगर महसूस हुए तो इस चीज़ें लगे बिल्कुल नई टाइप है ना, रियली अमेजिंग। ये कौन सा हथियार है मटा?
का नाम है प्रदेश मंजू इंडिया का। वाह, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस तिब्बत तुर्किस्तान। इस किले में हमने उस बाइप्लेन को भी देखा जो कि महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेजों द्वारा भेंट किया गया था। जयपुर के आमेर फोर्ट का इस फोर्ट के साथ अगर मैं तुलना करूं तो ये कह सकता हूं कि आमेर का फोर्ट पूरा खुला हुआ है, वहां पर आप एक एक कोने में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन जूनागढ़ फोर्ट में आपको केवल जो सेलेक्टेड क्षेत्र है वहीं पर आप भ्रमण कर सकते हैं। जनता वांट्स टू नो कि ये यहाँ पे आया कैसे, है ना? ये आया कैसे अंदर? कॉल के लाए। मिल गया आंसर। ये रियल में है ना? रियल का ही रखेंगे, नकली थोड़ी। इसकी हिस्ट्री है, इसके पीछे की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अच्छा अच्छा, असली मंजू रियल वाला है, बता तेरे को। केमिकल करके इसमें मसाला भरा हुआ है बस। तो कुछ चलते हैं, बड़ा बड़ा तगड़ा तगड़ा करे यार। तट्टित्री, ये बिल्कुल रेड रेड क्यों प्रतीत हो रहा है? गणगौर सवारी, ये तो बाद की भी होगा। बीकानेर फोर्ट, चल जनता वांट्स टू नो इसके अंदर क्या है। ये तोप महाराजा गज सिंह जी द्वारा जोधपुर से जीती गई। एक मोटी है अंदर। इस किले के भ्रमण के दौरान हमने जितने भी भूभाग इस किले के देखे वो सारे के सारे बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, या ऐसे कहूँ कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के जो पुरातात्विक विभाग जो संरक्षण की टीम है उन्होंने इस किले को सुरक्षित रखने में अपना बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाया है। इस जूनागढ़ किले को देखने के लिए आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना आपको आमेर किले को देखने में समय लगता है। इस किले को देखने के बाद हमने लालगढ़ महल और जो शार्दुल संग्रहालय है वहां पर जाने का फैसला किया। महाराजा गंगा सिंह ने इस राजसी महल का निर्माण करवाया था। ये वास्तुशिल्प चमत्कार पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और 1902 में उनके पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में इस लालगढ़ का निर्माण करवाया था। हालांकि लालगढ़ महल एक होटल में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन यहाँ मौजूद शार्दुल संग्रहालय में आप आसानी से भ्रमण कर सकते हैं। इस संग्रहालय में पुराने समय में इस्तेमाल किए गए कैमरे, पुराने समय में इस्तेमाल होने वाले राजा और रानियों की वेशभूषाएं, पुराने पत्थर, पुराने फोटोग्राफ्स। इसके बाद हम लोग रामपुरिया हवेली गए। पूरा एक दिन बीकानेर भ्रमण करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये दिन मेरे लिए हमेशा के लिए याद रहने वाले दिनों में से एक दिन रहेगा।